दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में भाजपा सदस्यता अभियान समेत इन योजनाओं की करेंगे शुरुआत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकार बनने के बाद शनिवार को वाराणसी का दौरा करेंगे। पहले मोदी सरकार में वाराणसी ही गंगा किनारे से पीएम नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की थी। पीएमओ कार्यालय ने उनके वाराणसी दौरे का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार पीएम मोदी वाराणसी में लगभग 4 घंटे बिताएंगे। जी हां दोस्तों, इस बार भी पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन के तहत वृक्षारोपण करके देश भर में एक नई अलख जगाएंगे। इसके साथ ही मोदी वाराणसी में लोगों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्यता दिलाकर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मोदी सरकार 2.0 में देश के बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले जीत के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के वोटरों का धन्यवाद करने पीएम मोदी 27 मई को आए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वह एयरपोर्ट के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वह करीब 11 बजे हरहुरा के पंचकोशी मार्ग पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचकोशी मार्ग पर पीपल का पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी सुबह करीब 11:30 बजे हरहुआ से लालपुर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री देशव्यापी बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी को मिला 30 दिनों का पैरोल। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्री हरन का मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए हाईकोर्ट से 6 महीने की पैरोल मांगी थी, लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का निस्तारण करते हुए उनको 1 महीने का पैरोल मंजूर किया है। बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी उम्र कैद की सजा काट रही हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी के एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि उसे अपनी बेटी की शादी के मद्देनजर 6 महीने के साधारण अवकाश की उसकी याचिका पर दलील पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पक्ष रखने दिया जाए। उल्लेखनीय है कि नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। इस मामले में 6 अन्य लोग भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि 2019 का बजट गांव, गरीब, किसान और बिहार के लिए लाभकारी है। जी दोस्तों, पटना में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2019 का बजट आम और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा देगा। इस बजट से रोजगार बढ़ेगा। इतना ही नहीं, ये बजट किसानों के लिए काफी उपयोगी है। सुशील मोदी का कहना है कि इस बजट से बाहर को बहुत फायदा मिलेगा। इस बजट के लिए सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2019 और 20 के आम बजट में छोटे कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा पूरा किया गया है। छोटे मंझोले उद्योग के लिए 59 मिनट में कर्ज देने की व्यवस्था पर, युवाओं को उद्यमी बनाने पर फोकस किया गया और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जीरो बजट खेती को प्रोत्साहित किया गया। इससे किसानों, गरीबों और खासकर बिहारियों के लिए ये बजट काफी फायदेमंद होने वाला है। आपको बता दें कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें सरकार अपने आगामी कदम के बारे में बताया और जनता के लिए कुछ तोहफा भी लाया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं देश, किसानों, सबको घर और बिजली व्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी योजना सबके सामने रखी है। बिजली को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक देश के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2024 तक हर नल में पानी होगा।
जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर कि दोबारा कारगिल जैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा पाकिस्तान। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान 1999 की कारगिल जैसी घुसपैठ को दोहराने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह इसके परिणाम देख चुका है और सशस्त्र सेनाएं सीमाई इलाकों में कड़ी निगाह बनाए हुए है। ऑपरेशन विजय के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से इतर जनरल रावत ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी हम निगरानी नहीं कर रहे हैं, हमारे टोही दल कड़ी निगाह बनाए हुए हैं और हम इलाकों में निरंतर गश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान फिर कोई ऐसा प्रयास करेगा जैसा कारगिल के समय किया, क्योंकि वे इसका परिणाम देख चुके हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, आने वाले दिनों और सालों में पाकिस्तान किसी तरह की घुसपैठ का प्रयास नहीं करेगा। यह समारोह दिल्ली छावनी के मानेकशा क्षेत्र सेंटर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने बॉलीवुड गीतकार समीर के लिखे गीत पर बना एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में कारगिल के नायकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें बॉलीवुड के मोगल स्टार अमिताभ बच्चन सहित सिनेमा के अन्य मशहूर हस्तियां शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि बजट में गरीबों, युवाओं व नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ भी नहीं है शामिल। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव बोले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बजट में गरीबों, युवाओं व नौकरी पेशे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन लेने की प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रस्तुतः यह भ्रमित करने वाला बजट है। केवल भाजपा नेता ही बजट का गुणगान कर रहे हैं। उन्हें सावन में हरा हरा ही दिखता है, लेकिन सच्चाई को बादलों के घटाटोप से छिपाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट से पेट्रोल व डीजल के दामों में अतिरिक्त सेस लगने से 2.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से परिवहन महंगा होगा, तो जीवनोपयोगी चीजों में दाम भी बढ़ेंगे। घरेलू बजट असंतुलित होगा। किसान डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, उसको आर्थिक नुकसान होगा। नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर स्टार्टअप, मुद्रा लोन जैसी पुरानी घिसी पिटी योजनाओं की ही चर्चा है, कोई ठोस योजना नहीं है। विदेशी किताबें महंगी कर उसने शोध व शिक्षा क्षेत्र के विकास में बाधा डाली है। सच तो ये है कि जब भाजपा सरकार के 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे आशा की जा सकती है कि वह अपने वादे निभाने और जन कांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। जनता को तुकबंदी, कविता व शायरी से छलावा कि नहीं समस्या के ठोस विकल्प की जरूरत थी, जिसका दूर दूर तक केंद्रीय बजट में संकेत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर खेल की दुनिया में। श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में आत्मविश्वास के साथ जाना चाहेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को यहाँ के हेडिंग्ले मैदान में मैच होना है। भारत पहले ही आईसीसी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि श्रीलंका अंतिम चार की रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में इस मैच के परिणाम से अंतिम चार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आत्मविश्वास के हिसाब से भारत के लिए ये मुकाबला अहम है। वहीं श्रीलंका जीत के साथ विश्व कप से विदाई लेने के मूड में है। भारत की नजरें साथ ही इस मैच में जीत हासिल कर लीग दौर का अंत शीर्ष स्थान पर रहकर करने की होगी। इसके लिए हालांकि उसे शनिवार को ही ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया की हार की दुआ करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया अभी 14 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, तो वहीं भारत 13 अंकों के साथ दूसरे पर। भारत अगर श्रीलंका पर जीत हासिल करता है तो उसके 15 अंक होंगे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भी अपना मैच जीत जाती है तो उसके 16 अंक होंगे और वह लीग दौर का अंत पहले स्थान के साथ करेगी। श्रीलंका से भारत को संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये टीम इंग्लैंड जैसी टीम को मात दे चुकी है। इस मैच में उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए साख बचाने के लिए वह पूरे दम से भारत को मात देने की फिराक में होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कुलभूषण जाधव मामले में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 17 जुलाई को फैसला सुनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत का कहना है कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। आईसीजे ने बयान में कहा है कि हेग के पीस पैलेस में 17 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे सार्वजनिक बैठक होगी, और इस दौरान अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल काबी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं देने पर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था।
जाना तो अगली बड़ी खबर है कि ट्रेन में झरना, एयर कंडीशन, एसी बोगी में भर गया पानी ही पानी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह से तबाही की खबर आने लगी है। बता दें कि भारी बारिश के चलते राज्य के 3 अलग अलग इलाकों से दीवार गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में एक ट्रेन के एसी बोगी में झरने के रूप में बह रहे पानी का वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक यात्री ने इस वीडियो को शेयर किया है। ये वीडियो बेंगलुरु से पटना जाने वाली संगमित्रा एक्सप्रेस की है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि वीडियो एसी कोच की है। यात्री ने ये वीडियो 29 जून को शेयर किया था। वहीं अब ये वीडियो काफी वायरल हो गई है। वीडियो में यात्री की सीट पर पानी झरने की तरह बह रहा है। यात्रियों के सामान पर पानी तेज धार के साथ गिर रहा है, मानो झरना बह रहा हो। वहीं इस वीडियो के बाद भारतीय रेलवे की सुविधाओं पर सवालिया निशाना खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो का हवाला देते हुए भारतीय रेलवे की खिंचाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने रेलवे को ट्रॉल करना भी शुरू कर दिया है। कुछ लोग इस ट्रेन को मानसून स्पेशल ट्रेन तो कुछ लोग इसे रेलवे के इंडोर वाटरफॉल कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस राज्य से हैं, जिससे कि हम आपके राज्य की हर न्यूज आप तक पहुंचा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।